तो 10th क्लास स्टूडेंट्स बेटा, स्वागत है आपका फिर से 10th क्लास फिजिक्स रिवीजन फॉर बोर्ड्स। ओके जी, तो कवर अप करते करते बेटा दो यूनिट्स हमने कवर अप कर ली, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड कलरफुल वर्ल्ड। होप आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने कवर अप कर लिए होंगे। ओके जी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर होगा, लंबा चैप्टर होगा। एक बार फिर से पैटर्न समझ लो, टोटल रिवीजन कैसी है जी, एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन। टोटली हम किस पे स्टिक करके चल रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, आलतू फालतू बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर अप करते करते बेटा जो बीच में इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे हमने साथ के साथ क्या करने हैं, कवर अप करने हैं। इस चैप्टर में खूब क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी की हमने क्या कवर अप कर देनी है, बैक एक्सेस कवर अप करेंगे। देन वी विल डू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एक एग्जाम्पलर बुक आती है बेटा, अलग बुक है, अलग लेनी पड़ेगी आप लोगों को, ले ली होगी होपफुली। तो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद कुछ लास्ट में सैंपल पेपर डिस्कशन करवा दी जाएगी, राइट है। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर 11 है, न्यू एनसीईआरटी बुक होगी मेरे ख्याल, चैप्टर नंबर को एक आधा कट गया हुआ तो चेंज ना हो गया हो, मेरे पास ओल्ड वाली थी उसके हिसाब से चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही करंट, चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों की बात होगी। अगर बेटा आप लोगों ने पहले चैप्टर कवरअप किया हुआ है तो आपकी रिविजन हो जाएगी, अगर पहले अच्छी तरह नहीं भी कवरअप हुआ तो भी बेटा रिविजन को जिस तरीके से करवा रहे हैं हम कि अभी भी अगर करोगे सारा का सारा तो उससे बात आपकी बन सकती है। बस सारे के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, साथ के साथ काम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। सो बेटा लेट स्टार्ट चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पूरा नाम इसका अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलता होता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बुक में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हम लोग स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से करेंगे। तो पहला कंसेप्ट अपना आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, अगर इसकी बेटा डेफिनेशन दे हम तो वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बेटा कई बार बच्चा कहता है करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, कई बार कह देता है करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई करंट अगर होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट बेटा अगर डेफिनेशन देनी है हमने करंट की, तो इट इज नॉट जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये भी डेफिनेशन हो सकती है, एक और हो सकती है इसकी, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो, सॉरी करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट। तो करंट की बेटा डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो बीच में वर्ड सबसे पहले क्या आ गया, चार्ज। तो हमें बात कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, चार्ज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। करते हैं एक बार फार्मूला लिख लें, चार्ज बेटा इसको डिफाइन आगे करते हैं, किससे डिनोट करेंगे हम, क्यू से डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। तो सॉरी, इट मे बी स्मॉल क्यू, इट मे बी कैपिटल क्यू। तो बेटा स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है आगे हम डिफाइन करने जा रहे हैं, करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसको बेटा हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। अगेन मे बी कैपिटल आई, मे बी स्मॉल आई, तो आई से इसको डिनोट करेंगे। इसके हिसाब से बेटा इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट करंट, यानी करंट की बेसिक जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट है जी। करंट को आई से डिनोट करें, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बेटा ये करंट का बेसिक फार्मूला हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें छोटा मोटा कोई एक आधा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बने ही रहते हैं। चार्ज की यूनिट
कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. टाइम की यूनिट बेटा सेकेंड, डिनोटेड बाय एस. इस हिसाब से करंट की जो यूनिट बनती है कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, कूलम पर सेकेंड, राइट है जी. अब जो कूलम पर सेकेंड है इसको कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है. बोलते इसको क्या है, एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, रिटन एज ए एम पी ई आर ई. साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से क्या पढ़ी है, यूनिट पढ़ी है. तो एम्पियर इसकी क्या है, यूनिट है. तो आगे से हमने अभी तक अगर याद करें तो क्या याद किया, करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का फार्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और करंट की यूनिट एम्पियर. करंट की यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर. तो करंट पे दोबारा आएंगे. एक और कंसेप्ट जो बीच में आया है बेटा चार्ज, अब उसकी भी बात कर ही लें. तो अगला कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये चार्ज क्या चीज है, सुना होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये न्यूट्रल है. तो बेटा अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसको डिनोट हमने किससे करना है, क्यू से. कैपिटल से भी कर सकते हैं, मैंने बोला स्मॉल से भी कर सकते हैं, अब किससे कर दिया हमने, कैपिटल से कर दिया, राइट है. अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर अराइज. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर अराइज. बेटा वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की, मतलब मैटर मतलब हर एक चीज में देखो चार्जेस तो होती है, तो मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर में चार्जेस तो होंगे होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स अराइज होते हैं. क्यू से इसको क्या करना है हमने बेटा, डिनोट करना है. यूनिट इसकी क्या लेनी है हमने, कूलम्स. सी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. वैसे कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, यूज करते वक्त मिली कूलम, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम यूज होती है बेटा. मिली कूलम यानी 10^-3 कूलम, माइक्रो कूलम यानी 10^-9 कूलम, नैनो कूलम यानी 10^-9 कूलम. माइक्रो में माइनस नाइन नहीं बेटा, माइक्रो में क्या आना था, -6 कूलम. सबसे ज्यादा यही यूज होता है, माइक्रो में चलता है. तो चार्ज ये आगे चलकर पता लगेगा, अभी फिलहाल चलो बताना था, बता दिया. तो चार्ज की यूनिट आपने क्या याद रखनी है बेटा, कूलम्स याद रखनी है. कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट, राइट है जी. तो चार्ज के बारे में इतना ही पता कर लो अभी. करंट को आई से नोट करना है, यूनिट उसकी एम्पियर. चार्ज को क्यू से नोट करना है, यूनिट इसकी कूलम, राइट है जी. अब बेटा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेनी चाहिए. तो अगली बात आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या याद रखनी है बेटा, आ सकती है एग्जाम में. जैसे हमने बोला कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कई क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, कई क्वांटिटीज स्केलर होती हैं. पता होगा स्केलर क्वांटिटी वो जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. तो चार्ज की ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत हमें महसूस नहीं होती, कोई जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इसका क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड ही बताते हैं. तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. दूसरी बेटा चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व. अगली बात बेटा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है. अनदर थिंग, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव का मतलब बेटा चार्ज को सिंपली एलजेब्रा का रूल लगाकर ऐड किया जा सकता है. जैसे कहीं पर 2 कूलम और 2 कूलम चार्ज है तो सिंपली टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 4 कूलम. कहीं पे 2 कूलम 2 कूलम माइनस 1 कूलम ऑफ चार्ज है
तो 2 + 2 = 4 इसमें से 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया, टोटल चार्ज कितना गया 3। मतलब सिंपल एडिशन का रूल लगाकर इसको ऐड किया जा सकता है, ऐड हो जाते हैं चार्ज। कहीं पे 3 चार्ज पड़े हुए हैं तो नेट चार्ज निकालने के लिए सारे चार्जेस को क्या कर देंगे, ऐड कर। तो चार्जेस स्केलर चार्जेस, कंजर्व चार्जेस, ट्रांसफरेबल चार्जेस, एडिटिव इन नेचर, राइट है जी। अगली बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो मैंने डिस्कस करी थी, यहां पर आ गई इसकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी, ये बेटा ऑलरेडी डिस्कस हो गई अपनी, क्या क्या थी, चार्जेस एडिटिव इन नेचर, कंजर्व, ट्रांसफरेबल, स्केलर। अब इनमें बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, ये जो हमने आपको प्रॉपर्टीज दिखाई ना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी लिखनी है उसको अलग डिस्कस करवा रहे हैं हम, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके लिए अलग ही हमने क्या बना रखी है बेटा, हेडिंग बना रखी है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी आ गई, लिख लेना आपने 5वें नंबर पर कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। 5वीं प्रॉपर्टी क्या आ गई बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, अब इसका मतलब क्या निकला, पहले तो मतलब समझो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या निकला। इसका मतलब है, लिखवा रहा हूं, लिखना बेटा क्योंकि एज इट इज डायरेक्ट भी आ सकता है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। ई यहां पर क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। अब पहले तब तक लिख लो बेटा, समझाते हैं, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे पॉइंट सारा, समझा देते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कि चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज। चार्ज की वैल्यू ऐसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज, ठीक है जी, विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। तो चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। मतलब समझो, ई की वैल्यू बता दी हमने, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये किसका चार्ज है बेटा, ये किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। तो यहां पर बेटा बोला ये गया है कि जो चार्ज है इसकी वैल्यू कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं, जैसे कि जो चार्ज है ये सबसे छोटी वैल्यू बेटा कौन सी लेगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है, या तो किसी चार्ज चीज पे चार्ज आएगा, कितना आएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या फिर कितना आएगा, 0, ठीक है। या तो किसी चीज पे चार्ज कितना होगा बेटा, 0, या फिर सीधा कितना आएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है, इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है। ओके, तो चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, या तो चार्ज ये होगा या फिर बेटा होगा इसका डबल, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, या होगा इसका 3 times, 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹, या होगा इसका 4 times, 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹, एंड सो ऑन। यानी चार्ज की वैल्यू या तो होगी कितनी, e, समझो बात को, इस वैल्यू को
बेटा हमने क्या बोल रखा है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे शॉर्ट में। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ तो कितनी होगी ई, यहाँ कितनी होगी इसकी डबल यानी 2E, यहाँ कितनी होगी इसकी ट्रिपल यानी 3E, यहाँ कितनी 4 टाइम्स ई, यहाँ फिर एंड सो ऑन कितनी n टाइम्स ई का मतलब 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19। तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड वैल्यूज, ये वो फिक्स्ड वैल्यूज है बेटा। या तो किसी चीज पे चार्ज कितना आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 या इसका डबल, डबल इसको अगर आप डबल कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू इसका डबल करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, समझ रहे हो। या तो चार्ज ये होगा या इसका डबल यानी कि 2E, या इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19, या फिर कितना हो जाएगा, इट विल बी 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19। मतलब जीरो के पास सीधा ये वैल्यू आती है, इसके पास सीधा ये वैल्यू आती है, बीच की वैल्यू होती ही नहीं है। तो चार्ज हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रखवा सकते, चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। अब यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है बेटा, इंटीजर यानी यहाँ पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। तो चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज, ये वो फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, ई के मल्टीपल्स में आएगा। या तो किसी चीज पे चार्ज होता है ई, यहाँ कितना होता है 2E, यहाँ कितना होता है 3E, यहाँ कितना 4E, या फिर इसको क्या लिखते हैं बेटा NE, और ये जो चार्ज है बेटा मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है क्यू इज इक्वल टू प्लस या माइनस एन इंटू ई। ये पहला फार्मूला है, पहला नहीं दूसरा, पहला आ चुका है आपका करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो ये बेटा दूसरा फार्मूला हो गया जिसपे बेस के आ सकता है आपको छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, याद रखना है ध्यान रखना है। तो दो बातें हो गई बेटा अपनी, एक करंट, करंट किसके इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, दूसरा चार्ज का फार्मूला बना दिया क्या चीज बेटा एन इंटू ई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ओके याद रहेगा जी। तो अगर क्यू इक्वल टू एन ई बेटा हमने फार्मूला रख लिया, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन याद कर लो, उसका रिजल्ट याद कर लो, उसके आने के चांसेस बने ही रहते हैं। लिख लो क्वेश्चन कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैलकुलेट करना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आ जाता है Q इक्वल टू एन ई है, तो Q इक्वल टू एन ई में बेटा ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1E, 2 है तो 2E, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। बेसिकली ये जो बेटा हम कर रहे थे ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है n, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना आएगा 1E, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 3E, n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना आ जाएगा किसी भी चीज पे n इंटू ई। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अब चार्ज कितना दे दिया 1 कूलम्ब, n हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू पता होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो इसमें n निकालना है, n किसके इक्वल आ गया Q डिवाइडेड बाय E, एन किसके इक्वल आ गया Q की जगह 1 कूलम्ब है बेटा, E की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ओके बेटा इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा। अब बेटा इसको अगर मैं 10 टू पावर 18 नहीं, ऊपर जाके 18 कैसे हो गया, माइनस 19 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 19 ही रहेगा। अब इसको बेटा 10 मैंने इधर रखा, एक जीरो इसको दे दी इंटू 10 की पावर, अब हुआ ये 18,
नीचे 1.6। इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 6.25, इट विल बी 6.25, ठीक है जी, 6.25 आ जाएगा, करके देख लेना, इंटू 10^18। तो ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए बेटा, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि एक कूलम चार्ज कलेक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। सो वन कूलम्ब ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10^18, जो बहुत ज्यादा है बेटा, इतने ज्यादा कि वन कूलम्ब ऑफ चार्ज कलेक्ट करने क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, राइट है जी। तो अपनी टिप्स पे बातों को लो, क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमने करंट की क्या की है, डेफिनेशन, एक हमने क्या किया करंट की बेटा डेफिनेशन दी, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया चार्ज को डिफाइन किया, तीसरे नंबर पे हमने चार्ज की क्या की प्रॉपर्टीज की, जब चार्ज की प्रॉपर्टीज की तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी निकल कर आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक क्या कर लिया छोटा सा सवाल भी कर, राइट है जी। सो करंट की स्टार्टिंग हो गई अपने, बढ़िया स्टार्टिंग हो गई, ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं करंट चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जरूरी है बेटा। अब जब हम पूरा का पूरा ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, करंट पढ़ लिया, तो करंट जब पढ़ेंगे तो वोल्टेज भी आएगी, वोल्टेज जब आएगी तो सर्किट डायग्राम्स भी आएंगे। तो अगर बेटा मैं आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन और उसके बाद चार्ज बाद मैंने चलो अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन उसके बाद सीधा क्या रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट तो सबको पता ही होगा, उसकी कोई डेफिनेशन मैं देने नहीं वाला, कि एक क्लोज्ड फिगर जिसमें एक आधा बल्ब लगा हो, कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हों और एक सोर्स ऑफ करंट लगा हो, सोर्स ऑफ करंट में आपकी क्या आ जाएगी बेटा सेलियां, बैटरी, एक आध स्विच लगा हो, तो इसको क्या कह देते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्कल सर्किट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकता है, सिंपल सर्किट भी हो सकता है, ये जो फिलहाल हमने बनाया ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। ये चीज क्या लगी हुई है बेटा, एक इट्स अ बैटरी, ठीक है। अगर ये सिंगल लगा होता ऐसे तो इसको सेल बोल देते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड सेल। अगर सिंगल एक ही लगा हो तो उसको क्या बोल देंगे, सेल। और एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटे यहाँ तीन सेल लगे हुए हैं, ये पहला सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा, ठीक है जी। ये आपस में कनेक्ट कर दिए गए तो क्या बन गई, बैटरी बन गई। तो ये बैटरी है बेटा, इसी से करंट बनना होता है, करंट डेवलप होना है, सोर्स ऑफ वोल्टेज बोलते हैं इसको, या सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है जी। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये क्या लग गया, एक बल्ब लग गया, ये क्या लगा हुआ है, एमीटर लग गया, वोल्टमीटर भी लग सकता है। एमीटर बेटा डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, वोल्टमीटर डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज। ये बीच में क्या लगी हुई, के फॉर की, की का मतलब स्विच, ठीक है। ये इस वक्त स्विच जो है क्लोज्ड है, अगर बीच में बिंदु लगा हुआ है तो बीच के बिंदु का मतलब होता है इस सर्किट इज क्लोज, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, कर रहा है ना, देखो दिख रहा है। और अगर ये ना लगा हो, सिर्फ ऐसे ही दे रखा हो, तो मतलब सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट का मतलब अभी स्विच ऑन नहीं हुआ है और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो एक छोटी सी बात, इलेक्ट्रिक सर्किट पता ही आपको क्या होता है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे चलते हैं। तो हमें सीधा एनसीईआरटी बुक में एक दो छोटे मोटे क्या मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। हमने बोला है चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है, तो न्यूमेरिकल छोटे हो बड़े हो सब करते हुए जाना है, ईजी भी आएंगे बाद में, कुछ बेटा डिफिकल्ट भी आएंगे। तो अभी एग्जाम्पल 11.1 आ रहा है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन है, एक तो बीच में आते हैं बेटा एग्जाम्पल्स, एक आते हैं बॉक्स क्वेश्चन, एक बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे कर लेने, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना, बॉक्स क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने। फिलहाल ये क्या आ गया आपके पास, एग्जाम्पल आ गया बेटा, एग्जाम्पल 11.1, 11 नंबर चैप्टर पहला क्या हो गया एग्जाम्पल। कह रहा करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, समय दे रखा है 10 मिनट्स और क्या मांग रहा है, करंट भी दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मांगा क्या है चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सिंपल सी कहानी बेटा, आप चेक करो गिवन क्या क्या है, करंट इज गिवन 0.5 एम्पीयर, ओके, टाइम इज गिवन, करंट गिवन, तो साथ में क्या दे दिया टाइम, टाइम 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 कितना दिया था 10 मिनट्स। अब देखो बेटा
करंट की जो एसआई यूनिट है वो मिनट नहीं है, वो सेकंड्स है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 मतलब 600 सेकंड। तो समय हो गया 600 सेकंड। करंट किसके इक्वल होता है बेटा? चार्ज अपॉन टाइम। निकालना क्या है? चार्ज, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, यानी कि चार्ज, चार्ज इक्वल टू करंट। करंट कितना दे रखा था? 0.5, और ये कितना दे रखा था? 600 × 65 = 30, तो ये आ जाएगा 300 कूलम। ओके, कितना आ गया? 300 कूलम। 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 आ जाएगा, वो 300 बन जाएगा। समझ गए जी? हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, चार्ज कितना आ गया बेटा? 300 कूलम यहाँ दे रखा होगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया, 300। बहुत ही मुश्किल सवाल है ना, मुश्किल था ये? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। पहला क्वेश्चन कैसे मुश्किल हो सकता है यार, वैसे भी एनसीईआरटी में इतना मुश्किल होता ही नहीं है, इतना इतना पढ़ लो अपना काम चल जाएगा। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट, कुछ ऐसे फाइंड कर ले। करंट फाइंड करना हो तो सीधा निकल जाता, चार्ज फाइंड करना हो हमने फार्मूला को घुमा दिया। राइट है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वन ही है, उसके बाद क्या आ जाते हैं आपके बॉक्स क्वेश्चन आगे। ठीक है, तो ये कुछ क्या आ गया आपके बॉक्स क्वेश्चन की। पहला आ गया, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। तब इसका तो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल और बैटरी, स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अगर इनको सबको कनेक्ट करके क्लोज कर दिया जाए तो उसको क्या कह देते हैं हम? इलेक्ट्रिकल सर्किट कह देते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ओपन एंडेड, अपनी लैंग्वेज में लिखकर उसको सर्किट बना देना। ठीक है, ये जो सर्किट दिखाया था उसी को बना देना। अगली बात, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन खास है, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट होती क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर को डिफाइन करना है, तो मतलब क्वेश्चन है मेरा डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, यानी डिफाइन वन एम्पियर। तो क्वेश्चन है डिफाइन वन एम्पियर। ओके, ध्यान देना, चार्ज किसके इक्वल होता है? सॉरी, करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना, जब भी कभी बोला जाए ना डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन जाउल, ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहां बोला उसने डिफाइन वन एम्पियर या डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिख के बोलेंगे कि अगर भैया क्यू किसके इक्वल हो जाए? 1 कूलम, और अगर टाइम किसके इक्वल हो जाए? 1 सेकेंड। ओके, डेफिनेशन ऐसे देते हैं, इसको वन कर दिया, इसको वन कर दिया, तो भाई क्यू कितना 1, ये भी कितना 1, तो कितना आ गया? 1 एम्पियर। यानी अगर बेटा चार्ज 1 हो और टाइम भी कितना हो? 1 हो, तो करंट कितना होगा? वो भी कितना होगा? 1, यानी 1 एम्पियर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते होते हैं कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट करंट, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट विच कॉजेज टू पास 1 कूलम्ब ऑफ करंट इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या सर्किट। तो मतलब अगर एक किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एक किसी भी पॉइंट से 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो समझ लो वहां पे करंट कितना है? 1 एम्पियर। इस आंसर को रट लेना, यहाँ अपना दिमाग लड़ाने की या अपनी लैंग्वेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम खराब करना। ये लिखवा दिया जब आपको, तो इसको एज इट इज क्या कर लो, याद कर लो, लिख लो, एज इट इज ही लिख के आ जाना। ऐसे ही बेटा कभी कोई पूछ ले व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ठीक है समझ लिया अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में देने के बजाय मैंने पूरा सेंटेंस लिखवा दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड वैल्यूज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। तो उसको एज इट इज ही क्या कर लेना है, याद कर लेना है।
ठीक है जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अगली बात बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कैलकुलेट करके दिया है कि वन कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, जहां पे बेटा एन हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, भूल गए तो वीडियो को रिवर्स कर देख लो। ठीक है जी। तो तीन क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हें किसने बोल दिया कि जो इजी होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता? भाई जो इजी होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल तो कम ही आने हैं, ज्यादा कौन से क्वेश्चन आने एग्जाम में, इजी इजी आने हैं। तो भैया जितने ज्यादा इजी क्वेश्चन होंगे उतने इंपॉर्टेंट होंगे, समझ लो मेरी बात। मुश्किल मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल इजी इजी सा करते जाओ, उसी में से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट है जी। तो ये तीन क्वेश्चन कवर अप कर लेना। तो अभी तक करंट की बेटा क्या होगी डेफिनेशन होगी, चार्ज की डेफिनेशन होगी, करंट का फार्मूला हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू इक्वल टू एनई वाला फार्मूला हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, और हमने एक एग्जाम्पल और बेटा दो तीन क्वेश्चन कर ले। ठीक है जी। तो अभी आपको थोड़ा सा क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं, बस थोड़ा सा ही दे रहे हैं, जल्दी आ जाना। ठीक है, पानी पूनी पी लो। तो थोड़ा सा क्या दिया आपको, ब्रेक दिया, जल्दी से पानी वानी पीकर आ जाओ, फिर अगली स्टेज पर हम चलते हैं।